एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आपके किचन के बारे में। किचन में कुछ ऐसी रखी हुई चीजें जो खत्म होने से पहले ही आपको उन्हें भरवा देना है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको कभी दान नहीं देनी, और कुछ ऐसी चीजें जो कभी आपको लेनी नहीं। ये सारी चीजों के बारे में मैं आज चार चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। इनकी जो भी मैं आपके पास आपसे बात कर रही हूँ इन सारी चीजों के लिए, वो चार ऐसी चीजें हैं जिनको ना तो हमें किसी को देना होना है, ना किसी से लेना है, और ना ही हमें इन चीजों को खत्म होने देना है अपने घर में। तो वो चार चीजें ऐसी कौन सी हैं, आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शाली गुप्ता, वास्तु कल्चर एंड नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रसोई के बारे में। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको और बता देती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं शेयर करती, आपको बार बार वीडियो में बताती हूँ। और साथ ही साथ मेरा नया चैनल है वास्तु मेडिकल्स बंत्रा के नाम पे, जो आप उसे देखिएगा, पसंद आए तो पसंद कीजिएगा, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ किचन के बारे में। क्या आप जानते हैं किचन में सारी चीज़ें जितनी भी रखी हुई हैं कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं या हम किसी को देते हैं या लेते हैं तो ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ वो चारों चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी की। क्या आप जानते हैं हल्दी की, हमारे यहाँ पे जो शादी होती है हिंदुइज्म, हल्दी सेरेमनी होती है, यानी कि हल्दी को बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। क्या आप जानते हैं अगर आप किसी को हल्दी दे देते हैं या लेते हैं किसी से, या फिर आपके घर में हल्दी काफ़ी टाइम से ख़त्म है और आपने अभी तक नहीं स्टोर करी है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या आप जानना चाहते हैं तो जानिए, बताती हूँ क्या क्या इश्यूज होते हैं। हल्दी का संबंध हमारे बृहस्पति ग्रह के साथ होता है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ होता है। और अगर ये आपके किचन में ख़त्म हो जाता है तो आप लाइफ में, करियर में इश्यूज फेस करना स्टार्ट करते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगता है। अगर आप किसी को देते हैं तो इतना ध्यान दीजिए, आप कहीं ना कहीं अपना लक किसी को दे दे रहे हैं, अपना जो करियर का लक है वो किसी और को दे देते हैं, और किसी से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी हमें नहीं पता किसी का लक कैसा है, उनका मनी रिलेटेड इश्यूज कैसा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाता है। तो आपने हल्दी कभी भी किसी से ना तो लेनी है ना देनी है, और जैसे ही वो खत्म होने वाली होती है, थोड़ी सी बचती है, तुरंत उसे स्टोर कर दीजिए। उससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हल्दी को आप माथे पे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हल्दी के तिलक को यहाँ और नाभि पे लगाते हैं तो आप अपने लाइफ में, करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगा, फिनेंसिस का कभी कोई इशू नहीं आएगा। अगर डेली आप ये करते हैं तो आप खुद ही मैजिक देखेंगे। चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो दूसरी चीज़ है चावल। क्या आप जानते हैं हमारा जो शुक्र ग्रह होता है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, वो कहीं ना कहीं हमें भौतिक सुख देता है, यानी कि लग्जूरियस लाइफ देता है। रिलेशनशिप इश्यूज जो भी होते हैं वो शुक्र ग्रह की वजह से होते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो भी शुक्र ग्रह की वजह से होता है। उसके मजबूत होने से, हमारा शुक्र ग्रह जब मजबूत होता है तो हमारे रिलेशन में, लाइफ में कोई इश्यूज नहीं आता, यानी कि हमारा वीनस स्ट्रांग होता है। अगर आप अब एस्ट्रोलॉजी में चावल और शुक्र ग्रह को एक साथ, मतलब जो चावल है वो शुक्र ग्रह को दर्शाता है, आपने देखा होगा कोई भी पूजा होती है तो रोली चावल, साथ में चावल जरूर लगाया जाता है। अगर आपके घर में चावल खत्म होते हैं तो आपके लाइफ में, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप के इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। तो आपने इतना ध्यान देना है, ना तो चावल किसी से लेने हैं ना देने हैं, और ना ही इसे खत्म होना है। जैसे ही खत्म होने वाले हों तो प्लीज आप थोड़े से चावल के दाने उसके अंदर रहने दीजिए, और उसके बाद आप उसे डालिए। जब भी आप चावल यूज करते हैं और खत्म होने वाले हैं तो कम से कम थोड़े से दाने उसके अंदर पड़े रहने दीजिए डब्बे के अंदर, अगर आपको अभी चावल लाने में समय है। चलते हैं तीसरी की चीज की तरफ, जो कि है नमक। अब नमक भी हमारे राहु को दर्शाता है, यानी कि राहु ग्रह को दर्शाता है, जो कि छाया ग्रह माना जाता है। और अगर राहु हमारे कुंडली में खराब होता है तो हमें बहुत सी परेशानियां हो जाती है, गलत लत लग जाती है, गलत संगत में पड़ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहता, दिमाग खराब हो जाता है जैसे। तो आपने भी नमक किसी को ना तो देना है ना ही आपको लेना है, क्योंकि आप अगर आपके चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बिना बात की कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, बिना बात की कोई परेशानी ना आए, तो नमक को खत्म मत होने दीजिए। देखिए, जब भी आपके जो भी सामान मैं आपके साथ बता रही हूँ, चार चीजें जो आपके बता रही हूँ, अगर वो खत्म होने वाली है और आपको सामान लाने में समय है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर डाल के रख दीजिए, यानी कि बहुत चुटकी भर भी आप डाल के रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसके अंदर पड़ा रहेगा चुटकी भर।
चलते हैं चौथी और आखिरी चीज की तरफ, जो कि है तेल। जी हाँ, तेल। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, या कोई भी तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी आपको खत्म नहीं होने देना है। ये हमारे शनि ग्रह के साथ जुड़ा होता है, और शनि ग्रह अगर हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में खराब होता है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आएगी। तो आपको तेल को भी ना तो खत्म होने देना है, और ना ही किसी से लेना है, और ना ही किसी को देना है। ये चीजें आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको ना तो किसी को देनी है, ना लेनी है, और ना ही खत्म होने देनी है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपका खत्म होने वाला है, और राशन लाने में समय है, यह सामान लाने में समय है, तो थोड़ा सा उसके अंदर छोड़ के फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।